यूपी के ललितपुर में एक हैवी गड्ढा भयानक हादसे को दावत देता नज़र आ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। आपको बताते चलें कि ललितपुर के बस स्टैंड के नज़दीक घुसियाने इलाके का मामला बताया जा रहा है, जहां घरों में नलों की सप्लाई न आने के चलते आरसीसी रोड को पूरा खुदवा दिया गया, जहां पाइपलाइन लीकेज हो रही थी उसे ठीक करवाया गया। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्य मार्ग का गड्ढा कितना ही पोला और घटिया है। अब लोगों को इस बीच मार्ग में आवागमन में भारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर ट्रक जैसे हैवी वाहन भी निकलते रहते हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। वहीं स्थानीय लोगों ने मीडिया के माध्यम से पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है। क्या नाम है आपको, क्या दिक्कत है आपको? मोहम्मद शरीफ। क्या दिक्कत हो रही है? इसमें पाइपलाइन टूटी पाई गई थी, उसको सही करवाने के लिए खुदवाया गया तो जो पूरा नीचे पोला पाया गया। इसको प्रशासन इस पर तुरंत जल्दी कार्रवाई करें, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी। ये गली चालू रहती है? ये गली चालू रहती है, ये रोड चालू रहते हैं, बड़े वाहन निकलते हैं, इसमें ट्रक बस वगैरह निकलते हैं। ये पूरा पोला है उधर तक, आप वीडियो बना सकते हैं इसकी, देख सकते हो। क्या इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या कार्रवाई की? उसको खोया पाया गया, पाइपलाइन टूटी थी, उसको कराया। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन ने, क्या होना चाहिए? जल्द से जल्द कार्रवाई हो उस पर।